क्षेत्र में वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का, उस राजस्थान में बेरोजगारी का दर 25%, गहलोत जी आपकी सरकार में। मैं तो यह मानता हूं कि आज हर नौजवान और किसान को उठकर आह्वान करना चाहिए और इस सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जानी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, गहलोत जी को बड़ी आदत है मौके पर चौके मारने की। 17 तारीख को गंगापुर की जनता ईवीएम के बटन पर छक्के मार के गहलोत जी की नींद हम लोगों को उड़ानी होगी। आम आदमी त्रस्त है, प्रशासन भ्रष्ट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कांग्रेसी मस्त है। हमारे संस्कृत में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते। पर राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है। 80,000 केस महिला अपराधों का पिछले वर्ष में, हर दिन यहां बलात्कार हो रहा है। पिछले कई दिनों में हमारे क्षेत्र में एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। जो सरकार महिलाओं की आबरू नहीं बचा सकती, उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, महिलाओं की बातें हम छोड़े, नौजवानों की बातें छोड़े, किसानों की बातें छोड़े, इस राजस्थान में तो मेरे पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं। इस क्षेत्र में ही तस्करों ने 2 पुलिस कर्मियों की जान ली है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को मेरे तरफ से दिल की संवेदना। लेकिन आज राजस्थान की गुहार इस क्षेत्र की धरती से उभरनी चाहिए, एक चिंगारी निकलनी चाहिए और बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना का काल है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। संसाधनों की कमी हो सकती है लेकिन संबल की कमी हम कभी भी नहीं होने देंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूं। उन्होंने 2,00,000 करोड़ का पैकेज दिया है, एक एक गरीब के खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। 20 करोड़ महिलाओं की राशि में के खाते में 1500 रुपया पहुंचाया जा रहा है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जिस पार्टी का प्रण और पत अंत्योदय है, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आखिरी गरीब का आखिरी आंसू हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं, ये राजस्थान की ऐतिहासिक धरती है, ये वीरों की धरती है, यहां से शंखनाद उठनी चाहिए। जो आसाम से उठ रही है, जो बंगाल से उठ रही है, जो मध्य प्रदेश से उठी है, राजस्थान की भूमि तक वो शंखनाद उठनी चाहिए। चाहे हमारे सहारा की धरती हो, गंगापुर की धरती हो, सुजनगढ़ की धरती हो, राजा समंद की धरती हो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर, हाथ उठाकर की मुट्ठी बांधकर कि जो अटल जी की कहावत थी कि बादल उठाए रखो तभी तो याद रहेगा, बादल छटेंगे, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बादल छटेगा, बादल छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और हर नगर से, हर गली से, हर सड़क से वक्त की बदलाव की लहर निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, वंदे मातरम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की जय।
सर सर